गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पुस्तक वंशा का पाठ 10 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सर्वनाम का साधारण शब्दों में अर्थ बताऊंगी कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में यदि संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग हो तो भाषा पढ़ने में स्पष्ट नहीं लगती, इसलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, जो वाक्य है वो क्या होगा, स्पष्ट नहीं होगी, उसमें मधुरता नहीं आ पाती है, तो इसके लिए हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम कौन नहीं जानता है? चंद्रशेखर आज़ाद भारत माँ के अमर सपूत हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की माता का नाम जगरानी था और चंद्रशेखर आज़ाद के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद 14 वर्ष की उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे। न्यायाधीश के समस्त प्रश्नों के उत्तर देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना नाम आज़ाद तथा निवास स्थान जेलखाना बताया था। बच्चों, ऊपर लिखे अनुच्छेद में बार बार एक ही नाम के प्रयोग होने से अनुच्छेद की रोचकता एवं लयबद्धता में बाधा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इससे हमें क्या है, बार बार उस चीज़ को पढ़ना पड़ा, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, ये बार बार आ रहा है ये शब्द, तो क्या है, इसमें रोचकता नहीं है, लयबद्धता नहीं है इसके अंदर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की तरह के स्थान पर एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, परंतु यदि इस अनुच्छेद को इस प्रकार लिखा जाए तो इसकी रोचकता एवं स्वाभाविकता बनी रहेगी। अब हम देखते हैं कि चंद्रशेखर की जगह, आज़ाद की जगह हम कौन सा सर्वनाम प्रयोग करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम कौन नहीं जानता है? वे। अब वे यहाँ आया तो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ये चंद्रशेखर आज़ाद के लिए ही प्रयोग हो रहा है। वे भारत माता के अमर सपूत हैं। उनकी माता का नाम जगरानी तथा पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद 14 वर्ष की उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे। न्यायाधीश के समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने अपना नाम आज़ाद और निवास स्थान जेलखाना बताया था। उपर्युक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त संज्ञा शब्द चंद्रशेखर आज़ाद आदि के स्थान पर बे, उनकी और उन्होंने आदि शब्दों के प्रयोग का जो प्रयोग हुआ है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चों, हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसके, इसके आदि। बच्चों, सर्वनाम का प्रयोग समस्त संज्ञा पदों के लिए किया जाता है, अतः सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबके नाम के लिए। ठीक है, सबके लिए नाम, सर्वनाम का एक अलग से एक शब्द में उत्तर दें तो क्या होगा, सबके लिए नाम। आप चित्र में दोगे, आप अपनी पुस्तक में देखोगे तो दो चित्र दिख रहे हैं, एक गाड़ी का चित्र है, दूसरे चित्र में एक लड़की है जो कि नृत्य कर रही है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बिना संज्ञा के इस प्रकार किया जाता है, जैसे ये गाड़ी किसकी है, ठीक है, यहाँ पर संज्ञा नहीं है, मैं नृत्य कर रही हूँ। ठीक है, तो गाड़ी और नृत्य क्या हो गया, यहाँ पर सर्वनाम हो गया। अब पढ़ते हैं हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है सर्वनाम के, बच्चों कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं, कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला
अपने लिए या सुनने वाले या जिसकी बातें कर रहा है उसके लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, आप, हम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और सर्वनाम में जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मेरे, मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। फिर है मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुझे, तेरा, सब आदि। इसी प्रकार जिसके विषय में बात की जाती है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, उन्हें, उस, जिन, वह आदि। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द तीनों पुरुषों, कौन कौन से पुरुष? उत्तम, मध्यम और अन्य में अपनेपन का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण पे, मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ। ठीक है, तो अपना और खुद ये क्या हो गए? ये अपनापन का बोध करा रहे हैं ये। फिर दूसरा है, वह अपनी दवाई स्वयं लाता है। तो अपनी और स्वयं ये क्या है? अपनेपन का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। अब पढ़ते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से दूर या पास की वस्तुओं का, व्यक्तियों का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई व्यक्ति है, वस्तु है या कोई दूर, या कोई दूर रखी हुई चीज़ है। ठीक है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, और हमें पता होता है कि वो निश्चितता है वहाँ पर, तो वहाँ होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह ताजमहल है, तो हम इशारा करके बोल रहे हैं कि जो सामने चीज़ है, वस्तु है, वो क्या है? ताजमहल है। हमें उसके बारे में निश्चितता है कि वह ताजमहल है। तो यहाँ पर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मेरी किताब है। अब ये किताब रखी हुई है, मैं उसको इशारा करके या किसी चीज़ के करी हुई, यह मेरी किताब आता है। यहाँ पर निश्चितता है कि ये किताब मेरी ही है, तो वहाँ पर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब पढ़ते हैं हम अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, हमें पता नहीं चलता है कि वो वस्तु सही में निश्चित है या नहीं है। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे देखो, वह कोई वस्तु पड़ी है। मैं दूसरे आदमी से देखो, वो वस्तु पड़ी तो है लेकिन वो क्या है हमें उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इस पैकेट के अंदर कुछ है, एक पैकेट है, उसके अंदर क्या है हमें इसका पता नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द परस्पर संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, तो ये संबंध बता रहे हैं। जिसे देखो वही धूर्त है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संबंध स्थापित किया जा रहा है, संबंध को बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब पढ़ते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसका नाम है, प्रश्न करना, इसमें प्रश्न किया जाता है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा,
आदि के विषय में प्रश्न किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है उससे कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, ये फुटबॉल कौन खेल रहा है, तो क्वेश्चन किया जा रहा है, वहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो बच्चों, जो आपका ये पाठ था सर्वनाम का, यह पूरा हो गया है। अब हम पढ़ेंगे, आओ दोहराएं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, उसको हम दोहरा लेते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा कौन सा होता है, अन्य पुरुष। अब मैं आपको एक बार सर्वनाम की परिभाषा भी बता देती हूँ कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जो सर्वनाम की जो परिभाषा है आपको वह याद करनी है, ठीक है। और इसके उदाहरण है जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसे, उसके आदि। तो बच्चों, यह पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।